तो आपको कैसा लगा अस्पताल में? बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। क्या तकलीफ लेके आए थे आप? मैं तकलीफ बहुत लाई थी लेकिन सारी सोनू हो गई मेरी। क्या क्या तकलीफ लाए थे? मेरे यूट्रस से नीचे आ गया था बहुत ज्यादा, और लैट्रिन बाथरूम की भी प्रॉब्लम थी तो वो भी सही हुई है, और स्टिच वो जो खुला हुआ था वो भी ठीक हुआ है। ऑपरेशन के पहले जो डर लग रहा था वो भी लग रहा है? नहीं अब नहीं लग रहा, पहले ज्यादा लग रहा था। कॉन्फिडेंस लगा कि मुझे लग रहा है मैं इतना वीकनेस महसूस करूंगी, लेकिन इतना मुझे लगी नहीं थी। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए सर्जरी, इसलिए तो कह रहे थे शाम को 6 बजे सर्जरी फिनिश हुई है, अभी 10 बजे। कह रही थी मुझे बहुत वीकनेस आती है, मुझे बहुत पेन है, लेकिन अभी नहीं लग रही ना। ऑपरेशन के सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? यही अच्छा लगा ना, सब कोऑपरेट किया मेरे साथ में, मतलब ऐसा नहीं स्टाफ वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे लगा। हॉस्पिटल में कोई एक बात तो बहुत अच्छी लगी होगी आपको? अभी अच्छी लगी मुझे एक बात, कोई बहुत अच्छी लगी है ऐसे तुम्हें क्या? रात को जैसे जब नर्स कर रही थी ना तो भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, बहुत ही अच्छे कर रही थी, बहुत अच्छी, परेशान नहीं कर रही। पूनम सिस्टर है हमारी, वो बहुत ध्यान रखती है, बहुत ध्यान रख रही थी वो, ये बात तो कहनी पड़ेगी। सुबह शाम वाली सिस्टर अच्छी है? वो भी अच्छे हैं सब, बढ़िया अच्छे से ध्यान रख रही है आपका। मंजू दीदी है ना, उनके तो मेरे हस्बैंड तारीफ ही करके गए, आपके जैसे तो मैंने देखा ही नहीं कभी। रूम की साफ सफाई ठीक है? साफ सफाई एकदम बढ़िया, कोई तकलीफ है? नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छी बात है। हम लोग कल आए, कल तुरंत डिसीजन ले लिया हम लोगों ने, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्या आते हैं हम एक्चुअल में बाहर से, तो ये सोचते वहां चलो वहां चलो वहां चलो, तुरंत डिसीजन लेके तुरंत ही काम करो। लेकिन अब देखो टेंशन कितनी खत्म हो गई, आप कितने रिलैक्स्ड हो गए। बिल्कुल, नहीं तो घूमते रहते जब तक बीमारी का इलाज नहीं होता, जब तक पालते रहते हैं उसको, और फिर वो दिमाग में टेंशन वो ज्यादा बहुत चल रहा था। मेरा तो कल इच्छा भी हो रही थी ऑपरेशन होने से पहले कि मैं यहां से भाग जाऊं, पहले ऑपरेशन होने से पहले भाग जाऊं। थैंक गॉड नहीं भागे, भाग जाते तो इलाज नहीं होता, भाग जाते तो इलाज यहीं रुक जाता, और नहीं होता। जो तो सबकी बीपी है, सबकी बीपी बढ़ रही थी इनके साथ में, जो भी पहले हमारी भी चेक कर लो। मेरे हस्बैंड की तो बहुत बड़ी हुई थी, 173 हो गया था उनका। अच्छा, सब इनके साथ वालों का, सबका हस्बैंड है कौन थे वो, मेरी थी छड़ी थे, सबका चेक करवाया उन्होंने, आप भी करो आप भी करो। आप क्या लगते हैं? अच्छा अच्छा, कैसा लगा अस्पताल में एक्सपीरियंस? अच्छा है, मैंने तो पहली बार ही नाम सुना है एक्चुअल में, पहली बार ही नाम सुना है। हम लोग एक्चुअल में आप जानते होंगे बजरंग लाल सोनी। हाँ हाँ हाँ, सोनी जी के यहाँ लेप्रोस्कोपी मैंने करी है बहुत बार शुरू में जाके। हाँ हाँ, मैंने यहाँ पे बहुत से डॉक्टर, मतलब 500 से ज्यादा लोग मेरे हाथ से निकले हुए हैं ट्रेनिंग में। अच्छा अच्छा, तो हम लोग तो क्या वो हमारे रिलेशन में ही है एक्चुअली। अच्छा अच्छा अच्छा, उनके सासू जी का ऑपरेशन मैंने किया है, फिर उनकी बुआ का मैंने किया है। सासू जी का आपने किया है? हाँ हाँ मैंने किया, मंजू जी का। हाँ हाँ हाँ, तो हमारा यही विचार था कि हम वहाँ पे करवाए कि भाई बजरंग लाल सोनी लेते, क्योंकि वो घर के ही है, तो हमको लगा कि भाई क्लोज है थोड़ा, तो डर लगता है ना कि गुरु के पास पहुंच गए। हाँ, तो आप डायरेक्टली गुरु मिल गए ना, लेकिन मुझे खुद इनको देख के कि ये तुरंत खड़ी हुई टच हो, नहीं तो इतनी जल्दी कोई सेकंड डे नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं एक दो जनों से मिल के भी आई हुई तो वो बोले मुझे अभी चक्कर से आ रहे हैं, या फिर मुझे अभी हिल नहीं पा रही हूँ, मुझे छुट्टी होगी नहीं हुई, कहेगी छुट्टी आज करोगे आराम से, बस दूसरे दिन कर देना कोई जल्दी नहीं, तो वो मरीज टिकता ही नहीं हमारा, तो कहता यार मैं घूम रहा हूँ फिर रहा हूँ चल रहा हूँ, मुझे क्या करोगे। ऐसा लगा ना कि बहुत अच्छा रिलीफ मिला मुझे, अब आज नहीं है ना फेस्टिवल, लोग ये सोचते हैं अब आज हम जा रहे हैं एक्चुअली ना, तो आज हमने केस रखे हुए नहीं है। हाँ, तो ये हम दोपहर बाद निकल जाएंगे यहाँ से 4 दिन के लिए ना, तो फिर हम ऑपरेट करके नहीं जाते। नहीं 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 सही बात है, जिस दिन जाना होता है ना उस दिन ऑपरेट नहीं करते, फिर एक दिन पहले करते हैं, सुबह छुट्टी कर देते हैं, छुट्टी करके अस्पताल खाली करके जाते हैं। वो तो फिर डेट्स इसी हिसाब से दी जाती है ना, जैसे जो आज की कोई मांग रहे थे उनको दी नहीं ना, फिर आगे जो बाहर वाले इनका तो बाहर है ना, भैया को छुट्टी लेनी पड़ी है, जैसे तो इनका टाइम पे हो गया कि फेस्टिवल से पहले वो चले जाएंगे होली के बाद में। हाँ नहीं सही है, तब तक नहीं कर सकते ट्रेवलिंग, करो ना आज ही करना, कोई दिक्कत नहीं बाहर जाने के लिए। हाँ बाहर जाने के लिए, अरे आप तो यहाँ लोकल सोच रहे हो, हमारे बाहर के ऑस्ट्रेलिया दुबई यूएई पता नहीं कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं।